तुम्हारा? मुकेश। उस दिन 3 दिसंबर हिंसा मामले में क्या हुआ था? इंस्पेक्टर की हत्या किसने की थी? मैं कोतवाल साहब मुझको जानते थे, मेरा परिचय था उनसे। कोतवाल साहब को मैं जो उनकी थोड़ी चौकी के सामने फूट चुकी थी, ये ट्रोला खड़ा था रेत का, वहाँ पर के सहारे आए थे, वहीं पर मैं खड़ा था उलट में, शान में ऐसे पथराव चल गया था बेटा। फिर मैं उन्होंने ट्रोले के धोरे से अपने गांव की तरफ ले जा रहा था, ले जाने के बाद में सुमित ने रोड़ा मारा, रोड़ा कोतवाल साहब का लग गया, लगने के बाद में कोतवाल साहब ने मारा किसी और का जाएगा लगा, लगने के बाद में मैं फिर अपने गांव की तरफ को जा रहा, नाली एक नाली पड़ती है, नाली कूदते के खन सुमित सब में आ गया, पथराम में सुमित सब में आ गया था, फिर जो नाली कूदते खन कोतवाल साहब ने सुमित को गोली मार दी थी, सुमित मौके पर वहीं गिर गया। गिरने के बाद में मैं अपने गांव की तरफ चले आ रहा हूँ, दूसरा खेत दूसरे खेत में बाढ़ दी मैं ले जा करके, एक दीवार पड़ती है, दीवार के पीछे से ये प्रशांत आया, प्रशांत ने दोनों हाथों से गोली भर ली, गोली भरने के बाद में पब्लिक एकदम टूट पड़ी, पब्लिक ने वो पत्थर अर्जी लट्ठों से उन्हें मारा, मारने के बाद में वे जब ही नीचे गिर गए थे, इनने प्रशांत ने छीन करके लिवार पर उसके गोली मार दी। आपके सामने छीनी थी प्रशांत ने पिस्टल? पिस्टल प्रशांत ने छीनी थी, छीन करके गोली मार दी। आपके सामने गोली मारी थी इंस्पेक्टर साहब? मेरे सामने गोली मारी थी। फिर पिस्टल कहाँ फेंकी थी? पिस्टल वहीं गिर दी थी, एक ले जा ये ले जा रहा था, इसने बोला पिस्टल को ही गिर। अच्छा, इससे पहले बताया जा रहा है कुल्हाड़ी से वार किया गया था? कुल्हाड़ी से वार किया था क्या? कुल्हाड़ी से वार नहीं, फिर मैं अपने गाँव को चला। ठीक है।